हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनल पंचाल है और एक मिनट. हाय एवरीवन, आई एम सोनल पंचाल, होम शेफ फ्रॉम वडोदरा. और आज मैं यहाँ पर अमूल के पेज पे एक रेसिपी लेकर आई हूँ, अमृतसरी ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी एंड कुलचा. सो यहाँ पर मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी. आई होप कि आपको पसंद आएगी. सबसे पहले मैं अपने इंग्रेडिएंट्स आप सबको दिखा देती हूँ रेसिपी के. पनीर भुर्जी के लिए मैंने यहाँ पर 3 ऑनियन को ग्रेट कर लिया है. यहाँ पर कद्दूकस नहीं किया है मैंने, ग्रेट किया हुआ है ग्रेटर से. और 3 टमाटर थे उसको भी मैंने ग्रेट कर दिया है. अमृतसरी ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें सरसों का ऑयल ऐड करना होगा. सो मैंने सरसों का ऑयल भी लिया है और मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल भी लिया हुआ है. अमृतसर स्टाइल बनाने की पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेरे दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं ग्राम फ्लावर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च. देगी मिर्च का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है, कश्मीरी मिर्च मैंने नहीं ली है. हींग है, कसूरी मेथी, स्टार एनाइस और सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची है और ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर सीड्स, कोरिएंडर सीड्स है. यहाँ पे जीरा लिया हुआ है मैंने, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स. यहाँ पे क्यूमिन सीड्स मैंने अलग से इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे जो हमारी पनीर भुर्जी को बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएगा इसीलिए. और यहाँ पर बहुत सारा धनिया और लहसुन, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट ली है मैंने. कुलचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पे लिया है एक उबला हुआ आलू, उसमें बहुत सारा हमारा अमूल का चीज जाएगा, बटर, दही और हमारा कुलचे का डो है जो मैंने यहाँ पे लिया है. यहाँ पर मैंने एक और पाउडर भी लिया है जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कुलचे का. तो मैंने कोरिएंडर सीड्स एंड जीरा को सौते करने के बाद उसमें उसको मिक्सर में क्रश करके उसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च मिलाकर ये पाउडर तैयार करती हूँ. तो ये है वो और आमचूर पाउडर. तो ये थे हमारे डिश के इंग्रेडिएंट्स. तो फिर फ्रेंड्स अब हम चालू करते हैं हमारी डिश प्रिपेयर करना, स्टार्ट करते हैं. आई होप आप सबको ठीक से दिख रहा है. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा, काफी गर्मियां हैं इसीलिए मैंने सरसों का तेल बस थोड़ा सा ही यूज किया है. अमृतसरी पनीर भुर्जी में सरसों का ऑयल, अगर आप प्योर पंजाबी या अमृतसरी स्टाइल बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा ऐड जरूर कीजिएगा. और फिर मैं यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकती हूँ. मैंने यहाँ पर यूज किया है. हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो रहा है. सो फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है.
और हम अब उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स और थोड़ी सी हींग। इसको बराबर मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने दो ऑयल अंदर डाले हुए हैं, तो इसको गर्म हो चुका है, तो हम थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड सीड्स हैं वो फूट रहे हैं और हमारा तेल बराबर गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक और ग्रीन चिली, मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया था। ये सब्जी में हमें किसी भी चीज़ को पेस्ट नहीं बनाना है या ग्रेवी नहीं बनाना है, इसलिए हम इसको कद्दूकस करके या फिर ऐसे फाइन चॉप करके ही ले सकते हैं। अगर आप ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हो तो देख सकते हैं हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन होने को आया है। अब इसके अंदर हम हमारी जो कद्दूकस की हुई ऑनियन है वो ऐड कर देंगे, हम ऑनियन को बराबर से भूनेंगे। हाय फ्रेंड्स, अभी इस स्टेज पे हम इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ 2-3 मिनट सौते होने देंगे, ढक्कन ढक लेते हैं, बराबर सौते हो जाए उसके बाद हम इसकी प्रोसेस आगे करेंगे। ओके, तब तक जब तक हमारा ये ऑनियन जो है वो सौते हो रहा है, हम तब तक दूसरी गैस पर हमारा जो सीक्रेट मसाला है पनीर भुर्जी का वो बना लेंगे। के लिए मैंने पैन में थोड़े से कोरिएंडर सीड्स लेने हैं, थोड़ी सी जीरा है वो लेनी है, स्टार अनाइज हम यहाँ पर 2 लेंगे, बड़ी इलायची है जो आप देख सकते हैं वो मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, और सिनेमन स्टिक है वो ले रही हूँ, और थोड़े से मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर सीड्स लिए हैं वो ले रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा रफली भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे, हम जब इसको अंदर अपनी सब्जी के अंदर भी ऐड करेंगे मसाला बनाने के बाद, तो हम वहां पर भी उस मसाले को अंदर भूनेंगे। इसको धीमी आंच पर 1 मिनट तक भूनने देते हैं, तब तक हम अपनी ऑनियन को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ऑनियन यहाँ पर हो चुकी है, एकदम अच्छे से ट्रांसलुएट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं अच्छे से वो ट्रांसलेट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे कद्दूकस किए हुए टमाटर, और वापस हम इसको ढक देंगे और अच्छे से सौंपने होने देंगे, ताकि हमारा ये मसाला इसमें से एक अरोमा आ रही है, खुशबू आ रही है, तो ये अच्छे से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा ही भुना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसी स्टेज पे हमने
गैस ऑफ कर देना है और उसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करनी है। ये कसूरी मेथी मैंने 2 टीस्पून जितनी ली है। क्योंकि हमारा तवा गरम है तो मेथी इसके साथ में बहुत ही अच्छे से एक नटी फ्लेवर भी देगी इस मसाले में और अच्छे से ये सौते भी हो जाएगी। कसूरी मेथी को ज़्यादा सौते नहीं करना है, इसीलिए गैस बंद होने के बाद ही उसमें हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले मैंने अच्छे से सब मिक्स कर लिए हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखकर ठंडा होने दूंगी। जी राजीव जी, जी मैं यहाँ पर अमृतसरी पनीर भुर्जी एंड कुलचा बना रही हूँ आज। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी हमारी ऑनियन एंड टोमेटो है वो अच्छे से भुन चुकी है। गैस फास्ट कर दी है यहाँ पर तो अच्छे से उसकी भुनाई हो जाएगी। हमने जो ये मसाला अभी अभी सौते किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर एक मिक्सर जार में ले रही हूँ। मैंने जो मसाला जो अभी सौते किया था उसको मिक्सर जार में ले लिया है। अब मैं इसमें से मैं जो मसाला रेडी होगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। देखिए मैंने पूरा उसको क्रश कर लिया है और एक अच्छा सा मसाले का फॉर्म आ चुका है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनियन और टोमेटो में जितना भी पानी छोड़ा हुआ था वो पूरा पानी जा चुका है और हमारे टोमेटोज और ऑनियन जो है वो एकदम ट्रांसल्यूएट हो चुके हैं, अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर हमें यहाँ पर दही लेना है। फ्रेंड्स मैं हमेशा ही ये रेसिपी बनाने के लिए हमेशा ही मैं
अमूल के दही का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अमूल का दही थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, पानी कम छोड़ता है और हमारे डिशेस को एकदम क्रीमी टेक्सचर देता है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच जितना दही लिया है उसी के अंदर मैं अभी इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जितना ग्रामफ्ला चने का आटा। इसी के साथ थोड़ी सी मिर्च जो हम सब्जी के अंदर डालने वाले हैं, वो मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब कुछ हम दही में ही मिलाएंगे और इसी दही को हम अंदर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे, और सॉल्ट। हमने सब्जी के अंदर सॉल्ट या किसी भी मसाले का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, तो हम प्रॉपर मसाले ही इस दही में के अंदर करेंगे। हमारी सॉल्ट भी हम प्रॉपर ही डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें हमने जो 1 चम्मच ग्राम फ्लोर का आटा भी डाला हुआ है ना, तो उससे भी हमारी सब्जी का टेक्सचर और उसमें जो रिचनेस और क्रीमनेस आएगी वो बहुत ही बढ़िया आएगी। आप देख सकते हो कि मैंने दही को पूरा मैश कर लिया है और इसमें कहीं पर भी मतलब गुठलिया जैसा नहीं दिख रहा है। और अब हम इसे अपनी सब्जी में ऐड करेंगे। आप जब दही अपनी सब्जी में ऐड कर रहे हो उससे पहले आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर दीजिएगा, क्योंकि दही डालने के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारी दही फटती भी नहीं है। आप देख रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है। जैसे ही हमने दही को इसमें मिलाया एक क्रीमीनेस जैसा सब्जी में आ चुका है। इसमें हमने ग्राम फ्लोर भी ऐड किया है तो उसकी बुनाई भी हमें करनी पड़ेगी। तो हम इस तब तक हम इसे थोड़े सी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर सौते करते हैं ढक्कन ढकने के बाद। तब तक फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको अपने तब तक फ्रेंड्स हम यहां पर हमारे पनीर भुर्जी के लिए सब्जी के लिए हम पनीर जो है वो ग्रेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये बड़ी छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा ग्रेटर अगर हम लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से अंदर हमारा पनीर जो होगा ना जब हम सब्जी के अंदर मिलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से उसका उभर कर आएगा और जो बड़े लच्छे होंगे ना वो हमारी सब्जी को बहुत ही अच्छा टेक्स्चर देंगे।
यहाँ पे अमूल के पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। पनीर को ऐसे ही ग्रेट कीजिएगा कि वो उसके बड़े लच्छे हो। अगर आप इससे भी बड़ा ग्रेटर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पनीर के लच्छे जो हैं वो मैंने यहाँ पे बड़े 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 लच्छे ही किए हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी में से भी तेल सेपरेट, ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से भुनी हुई है। ये भुनाई बहुत ही अच्छी हुई है। अभी इसी स्टेज पे हम वो मसाला ऐड करेंगे जो हमने बनाया है, एक से डेढ़ चम्मच जितना। हमारी सब्जी को ये वो ब्राउन टेक्सचर देगा जो ढाबे वाली पनीर भुर्जी में होता है। आप देख सकते हो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, एकदम ढाबा स्टाइल जैसा। इसी स्टेज पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर इस स्टेज पे थोड़ा पानी की जगह थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूध भी अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने ग्राम फ्लोर डाला हुआ है तो उसकी बुनाई भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। दैट्स व्हाई मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अभी फिर से मैं इसको 5 मिनट के लिए सौते होने दूंगी, उसके बाद हम इसमें आगे के मसाले हमारे जो हैं वो ऐड करूंगी, आगे के इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम जितना पनीर है जो जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे से हो गई है और इसमें मतलब अरोमा भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे हमारा ये ग्रेट किया हुआ पनीर। मैंने 400 ग्राम जितना पनीर है वो ग्रेट किया था।
और पनीर के साथ में ही हम यहाँ पर डालेंगे धनिया। धनिया हमें यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करना है। कितना आप आम सब्ज़ी में डालते हो उससे ज़्यादा धनिया इस सब्ज़ी में ऐड करना होगा। हम सब कुछ मिला लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी पनीर भुर्जी में एकदम वो ढाबा स्टाइल टच आया है, एकदम उसका कलर भी वही लग रहा है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा करेंगे हम और उसको 2 मिनट सौते होने देंगे, फिर उसको हम गैस पर से उतार लेंगे और फिर हम अपनी कुलचे की ओर बढ़ेंगे, कुलचे की तैयारी करेंगे। इसे मुझे थोड़ा सा और स्पाइसीनेस करने के लिए थोड़ा सा और मसाला डाल देती हूँ जो हमने बनाया था वो। मुझे ज़रूरत लगी फ्रेंड, इसीलिए मैंने इसको डाला है। यहाँ पर हम इसे अभी बंद करके 2 से 3 मिनट इसको सौते होने देते हैं। तब तक हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं, हमारी कुलचे की फिलिंग की तैयारी करते हैं। ओके, इस कुलचों की फिलिंग तैयार करने के लिए हमें पहले यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू लेने होंगे। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है। इसमें धनिया डालेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा चीज भी ग्रेट कर देंगे। अमूल चीज मेरा फेवरेट चीज है। आलू के साथ और चीज के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी आपके साथ में। ये जो आलू हमने उबले हुए लिए हैं ना, उसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे ताकि हमारा कुलचा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और वो फटे भी ना। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे कि आपके कुलचे बहुत ही अच्छे बनेंगे और फटेंगे भी नहीं।
ये आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, कुलचे अपने घर पर बना रहे हैं, चालक चाय भुर्जी के साथ बना रहे हो या फिर छोलों के साथ। लेकिन अगर आप ये ट्रिक जो है वो ट्राई करेंगे तो आपके कुलचे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे चीज को भी ग्रेट कर देते हैं। मैंने तकरीबन 2 क्यूब जितना चीज इसके अंदर डाला है, ग्रेट किया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने यहाँ 1 टीस्पून जितना इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा जो मैंने जीरा वाला पाउडर जो अपना बनाया था कुलचे का इंग्रेडिएंट्स, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जितना ऐड किया है मैंने। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप अगर कुलचों में ऑनियन डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो। छोलों के साथ अगर आप ये कुलचे ट्राई कर रहे हो तो उसके साथ ऑनियन का टेस्ट अच्छा आएगा, तो आप डाल सकते हो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मेरी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है, और इसमें कहीं पर भी आलू की गुठली नज़र नहीं आ रही है और बहुत ही अच्छे से स्मैश होकर बन चुकी है। ये हमारी कुलचा की फिलिंग रेडी है। यहाँ पर हम अपनी सब्जी को देख लें एक बार। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से भुन चुकी है, और हमारी पनीर भुर्जी इस स्टेज पर एकदम प्रॉपर रेडी है, एकदम ढाबा स्टाइल। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अभी गाइस यहाँ पर हम बना रहे हैं पंजाबी क्यूजिंग विदाउट बटर तो इनकम्प्लीट ही होता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अमूल का गार्लिक फ्लेवर वाला बटर, जो हमारी पनीर भुर्जी को बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देगा और उसका टेस्ट भी इन्हेंस करेगा। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना बटर डाला है। हाँ, आप चाहो तो ज्यादा भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे स्टेज पे हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पनीर भुर्जी, अमृत स्टाइल पनीर भुर्जी रेडी है और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर, और हमारा कुलचा हम रेडी करते हैं।
पर मैंने पैन ले लिया है, पैन को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर कुलचे का डो है वो पहले रेडी करके रखा हुआ था। कुलचा बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने 2 से 3 टीस्पून वार्म मिल्क डाला था, 1 टीस्पून मैंने उसके अंदर दही डाला था, फिर उसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच जितना अमूल का घी डाला था और उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डाला था, सॉल्ट डाला था और फिर उसको मिक्स करके एक डो बना लिया था। ये डो को हमें रेस्ट करना होता है 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले, आप इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए नीड करके, और फिर उसके बाद उसको बराबर मसल के और फिर जब आप कुलचे बना रहे हो तब उसको एकदम बराबर मसल के फिर उसमें से कुलचे बनाइए, ठीक है। मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था ये 1 घंटे पहले ही, तो अब हमारा ये डो रेडी है और अब हम इसको बराबर मसलते हैं। इसको अच्छे से मसलना है ताकि ये हमारा जो कुलचा है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बने। आप इसको जितने अच्छे तरीके से मसलोगे उतना ही हमारा कुलचा सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। स्टेज पे हम थोड़ा सा घी लेंगे इसके अंदर, जो मैंने अमूल का घी निकाला था साइड पे, बस मैं वही ले रही हूँ। हाय अर्चना मैम। जी हाँ मैम, मैंने यहाँ पर पनीर अमृत स्टाइल पनीर भुर्जी बनाई है और यहाँ पर अमृत स्टाइल कुलचे की रेसिपी दे रही हूँ। पहले मैं कुलचे की रेसिपी बता देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने 3 स्पून जितना वार्म मिल्क डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर दही डाला था, थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर एंड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और थोड़ा सा घी डाला था मोन के लिए और फिर आटे को मिला लिया था, फिर उसको मैंने 1 घंटे के लिए और मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला था फिर मैंने उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। आफ्टर 1 आवर मैंने ये डो निकाला है, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल भी चुका था, बहुत ही अच्छे से इसका ग्लूटेन काम कर रहा था। अभी मैं इसको मसल रही हूँ ताकि
जो हम कुलचे बनाए वो बहुत ही अच्छे से बने। आप देख सकते हो कि मसलने के बाद ये डो एकदम सुपर फ्लफी और बहुत ही अच्छा हो चुका है। हाय खेम सिंह सर, यस मैं वडोदरा से हूँ सर। डो का टेक्सचर बहुत ही अच्छे से आ गया है, तो अब हम इसमें से अपनी लोइयां काट लेंगे। हाय अर्पिता, मैंने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आधी चम्मच जितना मैंने नमक इसमें डाला है हो जाएगा इसमें। इसी नमक का पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। अभी पहले हम हाथों से ये लुइयों को ऐसे बेल लेंगे ताकि इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग जो है वो ऐड कर सके। जो आलू की जो फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर हमने ऐसे भरनी है। देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया है। पहले हम ऐसे अपने हाथों से थोड़ा सा उसको बेलेंगे। आटा लगा लीजिए और फिर ऐसे हाथों से इसको ऐसे कर दीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी हम धनिया ले लेंगे ताकि हमारे कुलचे का टेक्सचर अच्छा है। फिर हम इसे बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है इसको। अब इसकी नीचे का जो हिस्सा है हम उस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और हमने जो ये नमक का घोल जो रेडी किया था ना उसे भी हम हमारे तवे पर लगाएंगे।
आप देख रहे हैं कि मैंने नमक का पानी छिड़का तो वो थोड़ा सा वाइट पर्पस उस पर आ चुका है। तो हमें बस ऐसे ही अपने तवे को करना है। और अपनी रोटी पर ये पानी लगाकर उसे ऐसे छोड़ना है तवे पर। देख रहे हैं कि हमारा कुलचा जो है वो रेडी हो चुका है, मतलब रेडी हो रहा है, सॉरी। अच्छे से उसमें ये बबल्स आ रहे हैं कि हमने अपना तवा था वो थोड़ी देर पहले ही गर्म किया था। अच्छे से वो तवा भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा कुलचा भी बेल रही हूँ, इसकी तैयारी कर रही हूँ। कुलचे के अंदर बहुत ही अच्छे से बबल्स आए हैं, आप देखिए बहुत ही अच्छे से वो फ्लफी हुआ है अच्छे से। अभी इसको हम इस स्टेज पे घुमाते जाएंगे। हम पैन को ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे और अपने कुलचे को हर एक साइड से अच्छे से पकाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा कुलचा बहुत ही अच्छे से वो पक चुका है। स्टेज पे मैं इसे निकालूंगी। और वो नीचे से भी अच्छे से पका है। इसे दूसरे डिश में ट्रांसफर कर रही हूँ। यहाँ पर हम एक और कुलचा बना लेंगे। मैं भी दूसरे कुलचे को भी बेल रही हूँ। आप देख रहे हैं फ्रेंड, मेरा कुलचा फट नहीं रहा है, वो अच्छे से प्रॉपर बन रहा है। इसको बेल लिया है, वापस मैं इस पे थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। और हमारे तवे पर मैं वापस थोड़ा सा बीच के हिस्से में पानी डालूंगी, नमक वाला पानी। ऐसे ही ये पानी पूरा सूख जाएगा।
इसको हम इसके अंदर डालेंगे। यस, तवा को नमक वाला पानी क्यों लगाया? सर जी, विकी ढिंगरा जी, ये मेरा जो तवा है वो नॉनस्टिक पैन है, और ज़्यादातर घर में नॉनस्टिक तवी या ऐसा नॉनस्टिक पैन होता है, तो कुलचे जो हैं वो आयन की तवे पर अच्छे से बनते हैं। अगर आपके पास में आयन की तवी अवेलेबल ना हो तो आप नॉनस्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक पैन में कुलचे जो हैं वो चिपकते नहीं हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से बाहर जैसा बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा नमक वाला पानी इसके ऊपर ऐड करेंगे तवे पर, तो ये अच्छे से चिपकेगा भी और वो अच्छे से बन भी जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर नमक वाले पानी का इस्तेमाल किया है। थैंक यू बारुल मैम। थैंक यू। यहाँ पर ये वाला कुलचा भी है जो अच्छे से फूल रहा था। को भी हमने बहुत ही अच्छे से बना लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा ये कुलचा बिल्कुल भी इससे उखड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने नमक के पानी का इस्तेमाल किया था, और ये बहुत ही अच्छी टिप है जो आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास में आयरन केटल वाली पैन नहीं है तो आप नॉनस्टिक तवे में भी अपने कुलचे घर पर अच्छे से बना सकते हैं। मैं अपनी प्लेटिंग की तैयारी करूंगी।
ने यहाँ पे हमने हमारे आई थिंक आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा आई थिंक यस यस शायद दिख रहा है। यहाँ पर हम अपने कुलचों को थोड़ा सा बटर लगा लें बिना कुलचे बटर बिना बटर कुलचे कैसे कुलचे लगेंगे। तो कुलचों का स्वाद तभी आता है जब इसमें यहाँ पर रेडी है हमारा पनीर भुर्जी विथ अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी विथ अमृतसरी स्टाइल कुलचे। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी सो प्लीज उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके आई थिंक किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है सो अब फिनिश माय लाइफ। ओके फ्रेंड्स तो हम जल्दी मिलेंगे दूसरे रेसिपी के साथ तब तक बाय बाय। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या मतलब कोई भी क्वेरी आ रही हो ये रेसिपी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरी टिप एंड ट्रिक्स के साथ ट्राई कीजिएगा तो आई एम डेडली श्योर आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। ओके फ्रेंड्स बाय टेक केयर।